नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ और मैं हूं नेहा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में होने वाले हेयर फॉल पर। गर्मियों में पसीना आना नेचुरल और बहुत आम सी बात है, इसे चाह कर भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पसीने से आपके शरीर का तापमान मेंटेन रहता है। ये सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा पसीने आने का असर हमारे चेहरे पर तो पड़ता ही है, साथ ही इसका असर बालों पर भी पड़ता है। कई लोगों का कहना है कि गर्मियों में पसीने की वजह से उनका हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या पसीना सच में हेयर फॉल को बढ़ावा देता है? जानेंगे इस बारे में आगे विस्तार से। दोस्तों, पसीने में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जब गर्मियों में पसीना बहता है तो ये पसीना स्कैल्प पर भी बहता है। लंबे समय तक स्कैल्प से पसीना साफ ना किया जाए तो इससे आपके स्कैल्प को भी नुकसान हो सकता है। लैक्टिक एसिड की वजह से स्कैल्प पर सूजन हो सकती है और बाल कमजोर हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि स्कैल्प में नेचुरल ऑयल होता है जिससे बालों को मजबूती मिलती है, लेकिन पसीने से निकलने वाले लैक्टिक एसिड और नेचुरल ऑयल आपस में मिल जाएं तो स्कैल्प के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसके कारण स्कैल्प पर ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। कोर्स बंद होने के कारण बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कई बार पसीना आने के कारण बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और इसका असर आपके बालों पर भी पड़ता है। इससे हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है। चलिए जानते हैं कैसे आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में पसीने को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि ज्यादा देर तक धूप में ना रहें। अगर आप धूप में निकल भी रहे हैं तो सर को कवर करके निकलें, तो इसे टिश्यू पेपर या किसी सूती कपड़े से अच्छे से साफ करें। दोस्तों, गर्मी के दिनों में हफ्ते में 2 बार अच्छे से हेयर वॉश करें, ताकि इससे आपका सिर साफ रहे। गर्मी के दिनों में बालों में ऑयलिंग करें, क्योंकि एक तरफ अगर पसीना आपके नेचुरल ऑयल को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप ऑयलिंग करके डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हेयर फॉल की समस्या में गिरावट आती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि ऑयलिंग के बाद हेयर वॉश जरूर करें, वरना गंदगी बालों में चिपक जाएगी, इससे डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे हेल्दी टिप्स जानने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ के साथ।